कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता या आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ ना चले। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम बिल्कुल अलग बात क्यों कर रहे हैं, आज हम महिलाओं की बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो महिलाओं को सीधे सीधे 1 करोड़ तक का लोन देने वाली है। नमस्कार, मैं हूं रितम भ्रा और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। जी हाँ, जिस स्कीम की आज हम बात करेंगे वो महिलाओं को बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ तक का लोन दिलाती है। ऐसा कोई दौर नहीं रहा है जब किसी परिवार से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम रहा हो। आज हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है और सफल भी हो रही है। इसी को देखते हुए अपने पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए कई सारी स्कीम की घोषणा की थी और साथ ही सरकार की उन सारी स्कीम को रिवाइज भी किया जिनसे महिलाओं को काफ़ी फायदा मिल रहा है। और जिस स्कीम की आज हम लोग बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है जो बिजनेस करती है या जो बिजनेस करना चाहती है। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्या पता इस स्कीम के बारे में जानकर आपको कोई बड़ी मदद मिल जाए। अब इस स्कीम के जरिए लोन कैसे मिलेगा, मार्जिन मनी कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये तो सब हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये स्कीम आखिर है क्या। तो चलिए बात करते हैं स्कीम की। खास तौर पर महिलाओं को और ST/ST के लोगों के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। इस स्कीम के जरिए उन लोगों को लोन दिया जाता है जो बिजनेस करना चाहते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस योजना की जो शुरुआत है वो 5 अप्रैल 2016 में ही कर दी थी। वैसे ये स्कीम स्टार्टअप स्कीम की तरह ही है, लेकिन स्टार्टअप स्कीम जो है वो हर तरह के बिजनेस को लोन देने के लिए था, जबकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम ST/ST के लोगों और महिलाओं पर फोकस करती है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को और ST/ST के लोगों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है और हर बैंक ब्रांच को कम से कम किसी एक ST/ST व्यक्ति और एक महिला को लोन देना होगा। लोन लेने की कुछ शर्तें रखी गई है। सबसे पहले तो आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो ग्रीनफील्ड होना चाहिए, यानी एकदम नया प्रोजेक्ट होना चाहिए। और सबसे आखिर में, अगर लोन लेने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर बिजनेस खोल रहा है, साथ में बिजनेस कर रहा है, तो लोन लेने की एक अलग सी शर्त है और वो शर्त ये है कि जो शेयर्स है उसका कम से कम 51% हिस्सा और जो स्टॉक है उसकी कंट्रोलिंग महिला या ST/ST व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि लोन मिलेगा कैसे। तो बैंक आपको कंपोजिट लोन देगा। कंपोजिट लोन मतलब टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों ही इसमें शामिल होंगे। कंपोजिट लोन क्या होता है समझाते हैं। ये लोन अक्सर घर बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसमें 2 कामों के लिए लोन मिलता है, पहला प्लांट खरीदने के लिए और दूसरा उस प्लांट में घर बनाने के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है और उसके पास ज़मीन खरीदने के लिए इकट्ठे पैसे नहीं है और ना ही उस ज़मीन पर मकान कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे हैं, तो वो ये लोन ले सकता है। इसमें आपको अलग अलग 2 बार लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लोन में काम हो जाएगा। टर्म लोन प्लांट खरीदने के लिए मिलेगा और कैपिटल लोन उसमें मकान बनाने के लिए मिलेगा। यही लोन स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत भी मिलता है। इस कंपोजिट लोन में 2 लोन शामिल होंगे, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन से आप अपने बिजनेस के लिए ज़मीन या मशीन खरीद सकते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल से आप अपने बिजनेस में होने वाले रोज़ के जो खर्चे हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन मनी। मार्जिन मनी कितना होगा ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। मार्जिन मनी मतलब इस प्रोजेक्ट में आपका कितना फीसदी शेयर होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि आपका खुद का कितना पैसा लगेगा। मिनिमम मार्जिन कम से कम 10% होना चाहिए और मैक्सिमम मार्जिन 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको पूरे मार्जिन का झोल समझाते हैं। अगर ST/ST का कोई व्यक्ति या कोई महिला अपना बिजनेस शुरू करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लोन लेती है तो उसे अपने बिजनेस में हो रहे टोटल खर्चे का कम से कम 10% खर्चा खुद को उठाना होगा।
अब एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि रितु का कोई प्रोजेक्ट है जो 1 करोड़ का है, तो उसे अपने जेब से उस प्रोजेक्ट में 10% हिस्सा यानी 10 लाख रुपए लगाने होंगे, बाकी 90 लाख बैंक लगाएगा। ये कम से कम मार्जिन वाले केस में होगा। रितु ज़्यादा से ज़्यादा 25% हिस्सा यानी 25 लाख रुपये लगा सकती है। इस केस में बैंक 75 लाख रुपये लगाएगा। ये अधिकतम मार्जिन वाले केस में होगा, यानी 25% वाले मार्जिन में। बैंक से लोन लेने वाला व्यक्ति अगर अपने बिजनेस में खुद की जेब से पैसा लगाता है तो उसे मार्जिन मनी कहते हैं। मार्जिन मनी रखने का एक खास मकसद है, और वो ये है कि लोन लेने वाला व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसमें उसके खुद की जेब का पैसा लगा होता है। और सबसे आखिर में बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के हिसाब से डिसाइड होता है, यानी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ब्याज दर बहुत ही कम होगी। ब्याज के लिए बैंक का जो बेस रेट होता है यानी सबसे कम ब्याज दर होगी, तो वो एप्लीकेबल होगी ही। इसके साथ 3% टेनोर प्रीमियम भी जुड़ेगा, यानी ब्याज दर बैंक के ब्याज का बेस रेट प्लस 3% टेनोर प्रीमियम से ज़्यादा नहीं होगा। और लोन चुकाने का मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 7 साल डिसाइड किया गया है।